अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के टॉपिक सिंपल पेंडुलम। सो व्हाट इज अ सिंपल पेंडुलम? अ सिंपल पेंडुलम इज एन आइडियलाइज्ड मॉडल कंसिस्ट ऑफ अ पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस इनएक्सटेंडेबल स्ट्रिंग सपोर्टेड फ्रॉम अ फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस सपोर्ट। अ सिंपल पेंडुलम इज इन आइडियलाइज मॉडल। ये एक आइडियलाइज मॉडल है, एक ख्याली मॉडल। क्यों? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ अ पॉइंट मास। ये कंसिस्ट होता है एक पॉइंट मास पर। पॉइंट मास मी पॉइंट लाइक मास, पॉइंट लाइक मास, कंसिस्ट ऑफ अ पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस इनएक्सटेंडेबल स्ट्रिंग, जो कि अवेजा होता है एक इनएक्सटेंडेबल स्ट्रिंग के जरिए। स्ट्रिंग हम रस्सी को कहते हैं या वायर को कहते हैं। और इनएक्सटेंडेबल, इनएक्सटेंडेबल मीन जिसको वसात ना दी जा सके, जो कि सपोर्ट होता है फ्रॉम अ फिक्स फ्रिक्शनलेस सपोर्ट। ये हमारे पास है एक फिक्स सपोर्ट जो कि फ्रिक्शनलेस सपोर्ट है पेंडुलम के लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए ये एक फ्रिक्शनलेस सपोर्ट है। यहाँ पर ये L लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो कि इनएक्सटेंडेबल स्ट्रिंग है। यहाँ पर ये M, ये एक स्मॉल मास है, पॉइंट मास है, इसको हम बोब बी कहते हैं। सिंपल पेंडुलम की केस में हम इसको बोब कहते हैं, बी ओ बी, बोब, जो कि एक पॉइंट मास की तरह है इन सिंपल पेंडुलम केस। यहाँ पर ये एक पॉइंट मास है, इसको हमने इस स्ट्रिंग, इस वायर के जरिए इस फिक्स सपोर्ट से इस तरह अवेजा किया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो वेट है डब्ल्यू एम जी, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड और टेंशन इन स्ट्रिंग की डायरेक्शन अपवर्ड, दोनों फोर्सेस जो है वो मैग्नीट्यूड में बराबर है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पर नेट फोर्स इस पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो के बराबर है, मतलब यहाँ पर इट एक्स इज इक्वल टू जीरो, बॉडी पर जो नेट फोर्स लगते हैं वो जीरो के बराबर है, क्योंकि टेंशन इन स्ट्रिंग अपवर्ड की तरफ, वेट डाउनवर्ड की तरफ, दोनों फोर्सेस बराबर है। तो इस वजह से यहाँ पर इट एक्स इज इक्वल टू जीरो, बॉडी पर नेट फोर्स जीरो के बराबर है। तो बॉडी की इस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन कहते हैं। लेट अब मैंने इस बॉडी को, इस बॉब को इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस किया बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसओ। तो अब यहाँ पर इस पॉइंट ए पर, इस पॉइंट ए पर इस बॉडी पर जो नेट फोर्सेस है, अब वो फोर्सेस जीरो के बराबर नहीं है। अब यहाँ पर इस पॉइंट ए पर इस बॉडी पर एक फोर्स जो है वो मीन पोजीशन की तरफ लग रही है, और इस फोर्स का नाम है रिस्टोरिंग फोर्स, और वो फोर्स जो है वो ग्रेविटी पैदा करता है। दिस फोर्स इज प्रोड्यूस ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मैं यहाँ पर वेट ऑफ द बॉडी W बराबर है mg के, जो कि एक्ट डाउनवर्ड, जो अगर मैं इस वेट को कंपोनेंट में डिवाइड करूँ तो ये इसकी एक कंपोनेंट और इस तरह इसका दूसरा कंपोनेंट है ये। तो यहाँ पर ये जो एंगल है, एंगल थीटा, ये एंगल, और यहाँ पर जो हमने बॉडी को डिस्प्लेस किया था बाय सम एंगल थीटा, ये एंगल और ये एंगल ये एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है ये एम जी कॉस थीटा, और यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है ये एम जी साइन थीटा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेंशन इन अ स्ट्रिंग की डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में टेंशन इन अ स्ट्रिंग, और इस तरह ये एम जी कॉस थीटा जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो एम जी कॉस थीटा बैलेंस टेंशन इन अ स्ट्रिंग, एम जी कॉस थीटा दिस वेक्टर बैलेंस टेंशन इन अ स्ट्रिंग। तो एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा बैलेंस टेंशन इन अ स्ट्रिंग। तो ये इक्वेशन नंबर वन। इसी तरह यहाँ पर ये जो एम जी साइन थीटा है, एम जी साइन थीटा जिसकी डायरेक्शन ये है, एम जी साइन थीटा एक्ट एज अ रिस्टोरिंग फोर्स, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा एक्ट एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। ये इक्वेशन नंबर टू। और इस रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन जो है वो मीन पॉइंट की तरफ है, इस पॉइंट की तरफ, एक्स इज इक्वल टू जीरो की तरफ है, मीन पॉइंट की तरफ है।
और इस रिस्टोरिंग फोर्स का काम यही है कि ये बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लाता है। ठीक, जब मैंने बॉडी को इस पोजीशन पर छोड़ा तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया इस मीन पोजीशन की तरफ, लेकिन ये बॉडी इस पोजीशन पर नहीं रुका क्योंकि यहाँ पर बॉडी ने मैक्सिमम वेलोसिटी गेन किया है। यहाँ पर एट x इज इक्वल टू जीरो इस बॉडी ने मैक्सिमम वेलोसिटी गेन किया है, सो इस वजह से ये बॉडी जो है, ये बॉडी या ये बो जो है, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो पर नहीं रुका और इस तरह इसने थोड़ा डिस्प्लेसमेंट कवर किया एट एक्स नेगेटिव डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में इसने थोड़ा डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, अब रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन अगेन मीन पोजीशन की तरफ है क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स का काम है बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ हो लाना, तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन अगेन इस तरफ है। तो इस तरह ये जो बॉडी है इस तरह ऑसिलेट करेगा, कभी इस तरफ और कभी इस तरफ। ठीक है, अगर यहाँ पर ड्रैग फोर्सेस या एयर फोर्सेस अगर वो जीरो के बराबर है तो ये जो बो है, ये जो सिंपल पेंडुलम है, ये इस तरह पीरियडिक मोशन करेगा। अब यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है ओ पी ए, ये ट्राइंगल ओ पी ए, इसने ये एंगल बनाया है। जब हमने बॉडी को इस डायरेक्शन में एक्सपॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया तो इसने ये एंगल बनाया, यहाँ पर इस पॉइंट ओ के साथ वर्टिकल में ये एंगल इसने बनाया। अब अगर ये एंगल थीटा लार्ज है तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस नहीं है, लेकिन अगर ये थीटा स्मॉल है तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये भी इस तरह स्मॉल हो जाएगा। लिट यहाँ पर ये एक एंगल है जो कि इसने बना है, यहाँ पर इफ अगर थीटा स्मॉल हो तो यहाँ पर थीटा स्मॉल, तो यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है इस बॉडी का, ये इस तरह एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, इस तरह एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा और इस तरह ये बॉडी जो है वो इस तरह मोशन करेगा, कभी इस तरफ और कभी इस तरफ, मोशन इन आ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट एस है ये इस तरह एक्स बन जाएगा। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू एक्स एंड साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पर इस ट्राइंगल ओ पी ए के मुताबिक ट्राइंगल ओ पी ए साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है वो x है अब क्योंकि हमने एंगल स्मॉल लिया है, तो यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है अब वो x है, तो x डिवाइडेड बाय l, ये इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स के साथ यहाँ पर इस mg sin थीटा के साथ हो नेगेटिव साइन होना चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव साइन जो है वो डायरेक्शन को शो करता है। हमने बॉडी को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन वो मीन पॉइंट की तरफ है, तो इस वजह से दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन जो है वो लगाना जरूरी है। रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब साइन थीटा बराबर है एक्स डिवाइडेड बाई एल के, तो इस इक्वेशन 3 को अब मैं पुट करता हूं इस इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2 इन प्लेस ऑफ साइन थीटा, तो इसको यहां पर पुट करो साइन थीटा की जगह पर ये वाला वैल्यू जो है ये इधर पुट करो, तो माइनस या रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पर एम जी अपनी जगह पर और साइन थीटा की जगह पर ये एक्स डिवाइडेड बाय एल, ये इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन नंबर 4 को मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिस्टोरिंग फोर्स बराबर माइनस एम जी एक्स डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, अब न्यूटन्स सेकंड लॉ के मुताबिक यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन इस पॉइंट पर रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन मीन पॉइंट की तरफ है, इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इसी तरह मीन पॉइंट की तरफ है क्योंकि एक्सेलरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, तो यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स बराबर है एम ए के, तो ये इक्वेशन नंबर 4 था और ये इक्वेशन नंबर 5।
नाउ कंपेयर इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, तो एम ए बराबर माइनस एम जी एक्स डिवाइडेड बाय एल। तो यहाँ पर ये एम इस एम के साथ कैंसल, एक्सेलरेशन बराबर माइनस जी डिवाइडेड बाय एल मल्टीप्लाई एक्स। अब यहाँ पर ये जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ये कांस्टेंट है जो कि बराबर है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। इसी तरह लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये एल जो है ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, तो ये भी इसी तरह कांस्टेंट है क्योंकि इस पेंडुलम के लिए हमने ये लिंक जो है ये यूज किया है और इसको हमने चेंज नहीं किया है। ठीक है, इस पेंडुलम के लिए हमने ये जो लिंक है ये चेंज नहीं किया है, ये फिक्स है, तो इस वजह से लिंक ऑफ द स्ट्रिंग भी कांस्टेंट है और जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ ये भी कांस्टेंट है। तो जी बाय एल की जगह हमने यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन जो है ये पुट करना है, तो ए बराबर प्रोपोर्शनलिटी माइनस एक्स, जो कि कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो ये इक्वेशन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एक्सेलरेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ मेन पॉइंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ओ मेन पोजिशन। सो सिंपल पेंडुलम एक्ट एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब मैं यहाँ पर इस पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन निकालता हूँ। तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। ये हमारे पास एक इक्वेशन है कि एक्सेलरेशन बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। यहाँ पर ये जो ओमेगा है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये बराबर है ओमेगा 2 पाई डिवाइडेड बाय टी के, ये बराबर है 2 पाई डिवाइडेड बाय टी के, लेकिन यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर इस इक्वेशन को स्क्वायर करो तो ये बराबर हो जाएगा एक्सेलरेशन बराबर माइनस ओ 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर और इस तरह एक्स। ये इक्वेशन नंबर 6। अब इसी तरह अब हमने ये इक्वेशन लिखा ताकि एक्सेलरेशन बराबर है माइनस जी डिवाइडेड बाय एल ओ एक्स के, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 7। इस इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 6 को कंपेयर करो तो ये माइनस जी बाय एल एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर ओ एक्स के। तो यहाँ से एक्स और एक्स एक दूसरे के साथ कैंसिल, नेगेटिव और नेगेटिव के साथ कैंसिल, तो यहाँ पर g डिवाइडेड बाई l इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। नो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये यहाँ पर टी स्क्वायर g और इस तरह 4 पाई स्क्वायर l। अब हमने यहाँ पर टाइम पीरियड फाइंड करना है इस सिंपल पेंडुलम के लिए, तो यहाँ पर t अपनी जगह पर छोड़ो और जी को जो है वो इक्वल के साइड पे शिफ्ट करो, तो ये 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय जी। नाउ टेक रूट ऑन बोथ साइड, तो ये रूट और इस तरह यहाँ पर रूट, तो ये इसके साथ कैंसिल, तो टी बराबर 4 अंडर द रूट ऑफ 4 पाई स्क्वायर बराबर है 2 पाई के, तो इसी तरह यहाँ पर 2 पाई और एल बाई जी अंडर रूट के अंदर। तो ये है हमारे पास इक्वेशन टाइम पीरियड के लिए, ये टाइम पीरियड बराबर है 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल बाई जी, मतलब टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पर और इस तरह जी की वैल्यू पर। अब इस इक्वेशन से मैं फ्रीक्वेंसी के लिए एक इक्वेशन निकालता हूँ। हमने पिछले क्लासेस में फ्रीक्वेंसी के लिए एक इक्वेशन निकाला था जो कि एफ बराबर था 1 डिवाइडेड बाई टी के, तो यहाँ पर ये जो टी है ये यहाँ पर पुट करो, तो एफ ओ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय टी की जगह पर 2 पाई एल डिवाइडेड बाय जी अंडर दी रूट। तो इस तरह मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 2 पाई अपनी जगह पर और ये जो नीचे डिवाइड में एल बाय जी है इसको ऊपर शिफ्ट करो तो ये जी बाय एल में कन्वर्ट हो जाएगा जी बाय एल। तो फ्रिक्वेंसी बराबर 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई जी बाय एल के।
फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है जी पर और इस तरह लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पर।